जहार वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब में जी। यहां पे आरपीआई ने झारखंड में अपना विस्तारण शुरू किया है। जानने वाली बात है कि कई पार्टियों के बीच अपना अस्तित्व देने पहुंचे हैं लोगों के बीच, एक नए मोड़ से, नए रूप में नौजवानों के आवाज़ को उठाने, एक नई पार्टी का स्थापना विस्तारण करने आए हैं। जानेंगे कैसे इनकी प्लानिंग हुई है, किस तरीके से ये लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे और किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। आपको मालूम हो कई पार्टियां, हालांकि जो बड़े सत्ते में हैं उन लोगों की बातों को छोड़ करके कई पार्टियां आई, अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, लोगों का भरोसा भी जीता, मगर वह सफल नहीं हो पाई, जिस कारण आम जनता का भरोसा टूटता गया। ऐसे में आरपीआई अपना एक नया कदम, नई पहल लेकर के आई है। जानते हैं इनसे कि किस तरीके से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डब्ल्यू जी। धन्यवाद। आपका जानना है मुझे कि जिस तरीके से आप लोग झारखंड में विस्तारण कर रहे हैं, ऐसे में सबसे पहले आपकी पार्टी में फिलहाल कितने लोग हैं? आज से 2 महीना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। ये पार्टी में पहला विस्तार था कि मुझे पद अध्यक्ष का पद मिला, मैं सिंगल था। और आज उसी के तहत, आज हम लोग कमेटी विस्तार के तहत आज मेरा पहला विस्तार है। उसके तहत आज हम लोगों ने करीब 8 से 9 लोगों का विस्तार किया है, जिसमें दुमका से मृत्युंजय जी हैं, जो कि दुमका के नगर अध्यक्ष आजसू के रह चुके हैं और वो पार्टी हमारे ज्वाइन किए हैं। आज उन्हें पद दिया जा रहा है, ज्वाइन तो पहले कर चुके हैं, आज उन्हें पद दिया जा रहा है। तो इससे लग रहा है कि आजसू के नगर अध्यक्ष अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे लग रहा है कि हमारी पार्टी झारखंड में बहुत मजबूत स्थिति में उभर रही है। साथ में हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं राजेश जी, ये रामगढ़ से हैं और काफ़ी सक्रिय हैं जेएमएम से। ये जेएमएम छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन किए, आज इन्हें हम लोग प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद दिए हैं। इसके तहत आज हम लोग आपके पलामू से हैं सुनील जी, तत सभी जगह सभी जिलों को हम लोगों ने गौर किया है। लगभग 6 से 7 जिलों से लोगों को आज हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं, प्रदेश में पद दिए हैं और उन्हें आज के बाद एक नई जिम्मेवारी दी गई है कि प्रत्येक उनके क्षेत्र में जितने भी जिले पड़ते हैं, जैसे देवघर दुमका है इनका, है इनका रामगढ़ है, सभी जिलों से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति 1 महीने के अंदर कर देना है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, छात्र मोर्चा की एक जिम्मेवारी इन्हें दी गई है। अन्य केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इनके विभाग में एसटी एससी ओबीसी दलित के लिए बहुत सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं हैं जो कि धरातल पर नहीं पहुँच पाती है। उस योजना को हमको झारखंड में प्रत्येक गाँव में जा जा के प्रत्येक लोगों को डोर टू डोर हम लोगों ने वॉलंटियर बनाएंगे, जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर में, जिनका कार्य रहेगा कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाएँ और ज्यादा लोगों को लाभ दिलाए, क्योंकि जैसे ही लाभ दिलाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि लोग जब आप पे भरोसा करने लग जाएंगे, जिस तरीके से आपने कहा डोर टू डोर जा करके हर एक क्षेत्र में आप अपनी बातों को रखेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोगों के लिए, लोग जब आपके आप पे भरोसा करेंगे आप लोगों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो लोग चुनाव के समय लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं या सक्रिय होता है किसी भी, जैसे चुनावी मेढक जो हम लोग बोलते हैं, चुनाव के समय आते हैं, काफ़ी गांव घर जहां तहां प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। आज चुनाव हमारा 3 साल के बाद है, हम अभी से लगे हुए, इससे ये प्रतीत होता है कि हम चुनावी मेढक नहीं हैं, हम अभी से काम करना चाहते हैं। और जहां तक की बात है कि जब लोगों को हम लाभ दिलाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग हमसे जुड़ेंगे। और अगर बात की जाए तो गाँव में, देहात में बहुत बड़ी समस्या नहीं आती, छोटी मोटी समस्या होती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास हो गया, आय जाति आवास। तो हमारा प्रयास रहेगा पहले प्रखंड और पंचायत स्तर से कमेटी का गठन करें और एक मजबूत संगठन बनाए, जिससे कि, और एक वॉलंटियर करेंगे जिससे कि जो ये छोटी मोटी समस्या ब्लॉक स्तर का है, प्रखंड स्तर का है, आय जाति आवास और इंदिरा आवास, ये सब थाना पुलिस का जो छोटी मोटी समस्या है, ये सारा में हम मजबूती के साथ काम करें ताकि वो लोग हमसे जुड़े। पहले हम चाहते हैं कि छोटे स्तर के लोग, गरीब स्तर के लोग, और हमारी पार्टी का एक नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो उसको हम दलित उसको मानते हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि दलित वो है, ये नहीं कि कोई एसटी है, कोई एससी है, जनरल भी है अगर वो गरीब हैं तो हमारे पार्टी का कहना है कि वो गरीबी रेखा में है, उनके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। जो कि आजसू पार्टी को छोड़ करके आज आरपीआई में पहले जुड़ चुके हैं, पहले, लेकिन आज इनका नाम आया है,
तो जानते हैं इनसे कि किस बुनियाद पे ये आजसू पार्टी को छोड़ करके आरपीआई में जुड़े हैं और लोगों के लिए ये किस तरीके से काम करेंगे। जी मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आजसू पार्टी को छोड़ करके आए हैं, किस बुनियाद पे? बुनियाद यही है कि हम लोग इस पार्टी का विस्तार करें और हमको जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो दायित्व दिया है उपाध्यक्ष का, उसको पूरा करें और लोगों को जोड़ें। चूँकि आप आजसू पार्टी में पहले रह चुके हैं तो आपको इस बात से वाकिफ होंगे कि बेरोजगारी का लेवल, ठीक है, हमने आपके पार्टी के विस्तारण के बारे में जाना। आप थोड़ा सा बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। लोग झारखंड राज्य में खास करके ऐसा सीन है कि अभी जो राज्य सूबे की सरकार है उस पर बहुत भरोसा था लोगों को कि वो अपने युवाओं को नौकरी देंगे, उस चीज़ को लेकर के आप लोग क्या करेंगे? अभी तो हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था, ठीक है, अभी तो धरातल पर वो योजना आई नहीं है, सब हवा में ही है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर फोकस करें, इसको आगे बढ़ाएं, माननीय सीएम को बताएं कि आपने जो वादा किया था वो करें और ये हमारी पार्टी करेंगी। शायद वो भूल गए हैं, उनको याद दिलाना है कि आपकी जो योजना थी अभी सारी धरातल पे नहीं आई। जेएमएम पार्टी में पहले रह चुके, जी सर आपका नाम क्या है? राजेश प्रसाद जी। जेएमएम में पहले रह चुके राजेश प्रसाद जी आज आरपीआई में जुड़ चुके हैं। इनसे भी जानते हैं क्योंकि अभी सत्ता में जेएमएम की सरकार है, ठीक है, तो ऐसे में जेएमएम को छोड़ने का मकसद कुछ अटपटांग सा लग रहा है, आरपीआई में जुड़ना जानते हैं इन्हीं से। फिलहाल जेएमएम की सरकार राज्य सरकार सत्ता में है, ऐसे में जेएमएम छोड़ने का मतलब थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है, बताएंगे सर? उसमें है मैडम कि जो भी काम था, जैसे नौकरी लगाना यार, मतलब वहाँ रोजगार देना, वो सब काम मतलब कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए हम छोड़ के आ रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं नाराजगी है जेएमएम से आपकी, कहीं इसमें है मतलब। तो आरपीआई में आने के बाद आप कैसे? आरपीआई में आने के बाद दलित पिछड़ा वर्ग और इसमें जो भी है, इसमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो सब हम लोग को मान सम्मान मिलेगा और हम मान सम्मान दिलाएंगे भी। और वही से मेरा, आपने कहा मान सम्मान मिलना चाहिए, मतलब जेएमएम में कहीं ना कहीं जो जेएमएम के लोग हैं उन लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता एक दूसरे से? कोई सम्मान नहीं है जेएमएम में, जो इतना मिलना चाहिए मान सम्मान वो सब कुछ नहीं मिलता है जी, मतलब इसीलिए पार्टी का लोग कुछ नहीं मिलता है, इसलिए पार्टी धीरे धीरे उसमें मतलब कमजोर पड़ता जा रहा, इसीलिए हम पार्टी छोड़। जेएमएम छोड़ने का बहुत ही बड़ा कारण बताया, मान सम्मान पार्टी के ही लोगों को नहीं मिल पाता है। खैर ये सारी बातें थी, कैसे विस्तारण होगा डब्लू जी ने बताया, मृत्युंजय जी ने बताया कि अब वो बेरोजगार जो युवा हैं हमारे, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी के अंदर कहीं ना कहीं दब रही है, कैसे ये लोग आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल, नमस्कार।